नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिद अहमद, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीपी न्यूज चैनल। आज हम आए हैं अमरोहा डीएम ऑफिस। यहाँ कुछ लोगों से हम जानकारी लेते हैं कि इनका कोई एक मामला है कि किस पक्ष में ये डीएम ऑफिस आए। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। कहाँ से आए? थाना गजरौला। तो क्या मामला है आपका? मामला है क्या, मैं एप्लीकेशन देना आया कि आत्महत्या नहीं करें। तो आत्महत्या की अनुमति तो आप लेने आए हैं, किस मामले की लेने आए? क्या मामला हुआ पूरा बताइए। मेरे छोटे भाई ने कोर्ट मैरिज किया था जी, करीब 2 साल 2021 में जी, और ये लड़की पक्ष खुश नहीं थे उस पर, तो हमने कोर्ट में मुकदमा भी डाला था लड़की को लेने के लिए कि लड़की दे। तो जिस दिन उसकी तारीख थी कोर्ट में पेश होने की, उससे एक दिन पहले इन्होंने लड़की मार के पंखे पे लटका दी और हमारा झूठा नाम लगा दिया। मेरा दो भाई जेल में है और मेरे बहन भाई का नाम लिखवा दिया। 200 रुपये कमाता है दिन में जी। और बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है वो। और मेरी गूंगे बह रहे हैं। हाँ जी, गूंगे बह रहे हैं। और मेरी बहन इमरान है, उनका भी मतलब नाम है, नाम तो नहीं है, परेशान तो है वो। 200 रुपये कमा रहे हैं, 3 बच्चे उनके। क्या आत्महत्या करने की जो आपने आज बात कही, तो आत्महत्या आप किस संबंध में करना चाह रहे हैं? कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है या आपकी जांच आपके पक्ष में जांच नहीं हो रही, ऐसा क्या मामला जो आत्महत्या करने की आपने जो यहाँ अनुमति मांगी? आत्महत्या करने की अनुमति ये मांगी कि हमें मारेंगे वो लोग भी और मरेंगे अपना आप भी। जब हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा तो क्या करना, 2 महीने हो गए भटकते भटकते, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरा जाँच ना हुई। आप कहाँ से आई हैं? आप जी, मैं स्याली की रहने वाली हूँ जी। तो क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि मेरे भाइयों को उन्होंने लड़की मार का और जेल पहुँचा रखा है जी। और हमें इस चीज में इंसाफ चाहिए। तो अभी इंसाफ आपको मिला नहीं या जांच नहीं? जांच भी नहीं हुई और इंसाफ भी नहीं मिला। तो आपने थाने में कंप्लेंट नहीं की थी वहाँ पर? की थी। तो क्या हुआ थाने से? क्या सुनवाई ना हुई थी। मतलब कोई सुनवाई कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने में कोई जांच वगैरह या कोई पुलिस ने कोई जी? नहीं, कुछ भी नहीं। आप कौन लगती हैं लड़के की? मैं बहन लगती हूँ। और आप बताइए आप कहाँ से हैं? शुक्रवार से जी। तो क्या मामला? ये इंसाफ का मामला, इंसाफ नहीं है हमें। अब आप जो यहाँ डीएम ऑफिस आई हैं या डीएम साहब के यहाँ, यहाँ आपको किस उम्मीद से आई है? इंसाफ की उम्मीद से ही आए, इंसाफ मिल जाएगा, नहीं तो हम तो 15 तारीख को आत्महत्या कर लेंगे। हमारे फायदे क्या जी का, कौन कमा खाएगा क्या वो? तो देखिए यहाँ पर जो आज सपूराबाद का मामला है, जिला अमरोहा और थाना गजरौला का, जो कि ये लोग आत्महत्या की अनुमति डीएम साहब से लेने आए हैं क्योंकि इनको इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने जांच नहीं की किसी भी तरीके, क्योंकि लड़की जिसकी लड़की थी उन्हीं के घर में जो है ना लड़की की जो डेड बॉडी मिली, और उसके बाद में इन लोगों पे ये आरोप लगाया कि आपकी वजह से लड़की मरी है, जिसमें 4 भाई जिस लड़के ने कोर्ट मैरिज की थी जिसका नाम शाहरुख है, उनके 3 भाई एक के खिलाफ FIR कर दी गई। लेकिन अभी तक जो जिन लोगों के घर में लड़की मरी है, माँ बाप के घर में, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने भी एक जो है ना रुख लड़की के पक्ष में जो है अपना रुख पर रखा है, और इन लोगों को ये बताते हैं कि हमें पुलिस भी धमकी देती है कि या तो आप आ जाइए वरना हम तुमको पकड़ के बंद कर देंगे, मतलब इस तरीके का। अब इनका कहना यह है कि हम ये चाहते हैं कि जांच हो और पोस्टमार्टम भी होना चाहिए दोबारा से, क्योंकि डेड बॉडी को उखाड़ना चाहिए और उखाड़ के उस पर दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। तो इनका योगी सरकार से भी और योगी जी कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि लड़की के साथ जो कोर्ट मैरिज थी, कोर्ट मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, उनके पास में सर्टिफिकेट भी है, निकाह भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन पुलिस का या प्रशासन का इनके खिलाफ नहीं लिया गया। लड़की के पक्ष में प्रशासन है और पुलिस है, क्योंकि पुलिस भी साथ नहीं दे पा रही है। अगर पुलिस सही तरीके से जांच करे तो मैं समझता हूँ कि लड़की के जो पक्ष वाले लोग हैं वो जेल जाने के कगार पर बैठे हुए हैं। लेकिन बस सिर्फ योगी सरकार से हमारा यही है कि इन गरीब परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए।